हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और निधिस किचन में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह हो गई है और सुबह हो रही है आजकल मेरी बच्चों के टिफ़िन के साथ। तो यहाँ पर ना सबसे पहले सुबह सुबह मैं ना ये स्माइली जो होता है मकैंस, इसको फ्राई करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आज रात को बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि मम्मा प्लीज़ स्माइली फ्राई करके देना सुबह टिफ़िन में। तो मैंने बोला इट्स ओके, मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर है ना स्माइली जो है वो हर्ष के लिए तो इनफ हो जाएगा, मतलब बेटा है वो छोटा है तो वो पूरा टिफिन तो फिनिश करता नहीं है। ये 4 दिया था फिर भी वो 2 वापस लेकर आएगा, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा देती हूँ ताकि वो अपने बच्चों के मतलब अपने दोस्तों के साथ और सारे बच्चे शेयर करके खाएं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही फ्राई कर रही हूँ। तो पहले मैं श्री के लिए फ्राई करके उसको टिफिन भर दूंगी, फिर मैं सेम ही सेम हर्ष का भी भर देती हूँ क्योंकि हर्ष भी कुछ उसके पीछे से ही निकलता है। तो बस यहाँ पर देखिए बेटी का टिफिन जो है वो उसके साथ में दे रही हूँ, थोड़ा सा सॉस जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और क्या होता है ना, हमेशा वो रोटी वगैरह ले जा के बोर भी हो जाते हैं तो कुछ चेंज भी ज़रूरी है। तो इसके साथ अगर आप चाहें तो फ्रूटी वगैरह रख दीजिए या याकुल रख दीजिए या जो भी बच्चे आपके पीते हो सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो उस तरीके का कोई जूस रख दीजिए ताकि वो उनका जो पेट है पूरा भर जाए। तो यहाँ पर उसके बाद बच्चों को भेजने के बाद मैं बनाती हूँ अपनी चाय और यहाँ पे हस्बैंड और मेरा ब्रेकफास्ट एक साथ ही बन रहा है। क्योंकि देखिए मैं मॉर्निंग में इतना खाने की लवर नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद है, बट हाँ आज है ना ऑमलेट ब्रेड था और मेरा फेवरेट भी है और मुझे ओरिगेनो वाला ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सिंपल से अंडे को सारे ना एक ही साथ एक बाउल में फोड़ लिया है। उसके बाद यहाँ पे कांदा टमाटर मिर्ची धनिया कट कर ली है। अंडे में डालेंगे ओरिगेनो, थोड़ा सा नमक और उसके बाद बटर वाला ऑमलेट बनाएंगे, बहुत यम्मी लगता है। सो यहाँ पे देखिए अंडे ना बॉईल भी हो रहे हैं तो आप कह सकते हो कि अंडा डे ही है क्योंकि ये लंच की भी तैयारी एक साथ में साथ साइड में कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो लेकर मैं बैठ गई हूँ। इसके बाद क्या होता है, हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पर मैं लहसुन वगैरह छील लूँगी क्योंकि मुझे शाम को कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर एक व्लॉग शूट करना था जो है ग्रॉसरी वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बिरयानी में मटन बिरयानी बहुत मतलब अलग अलग तरीके से मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि बहुत कम मसालों में बिरयानी को बनाना चाहिए मटन के, क्योंकि मटन का जो अपना स्वाद होता है ना वो मरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है, आपको मटन को अच्छे से वॉश करके ले लेना, उसमें डाल देना है दही, लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, मटन मसाला, धनिया, पुदीना फ्रेश और उसके बाद नींबू का रस। और यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से डालने के बाद आप देख सकते हो मैंने हरी मिर्ची को थोड़ी सी बीच में से कट करके डाली हुई थी, ये मैंने ना मैरिनेट करके रात को रख दिया था, फिर मैं नेक्स्ट डे बनाने लग गई थी। तो ये वीडियो जो है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस है ये सब कुछ मैंने करके प्रिपेयर करके रख दिया था। तो क्या होता है ना, इससे जो आपका जो ये पूरा मैरिनेशन है ना मटन में अच्छी तरीके से पूरा मिल जाता है और स्वाद जो है ना हर एक एक पीसेस में आप फील कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मतलब निकाल लिया है फ्रिज में से और अब मैं इसको थोड़ा ना बाहर रहने दूंगी, जैसे 20-25 मिनट या 15 मिनट जैसा आपके पास टाइम हो ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और यहाँ पर फिर मैं आगे के प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ले लेना है कुकर। इसके बाद है ना कुकर में हम मटन को डाल देंगे और इसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें ना ऑयल जो लिया है ना, इसमें आप खड़ा मसाला वगैरह भी डाल सकते हो, मेरे हस्बैंड को खड़े मसाले नहीं पसंद है क्योंकि वो दांत के नीचे आ जाते हैं, तो यार उनको क्या हर किसी को नहीं पसंद आता है। और आप एग्री करते हो कि जिनको नहीं पसंद आता ना उन्हीं की प्लेट में सबसे पहले जाता है मसाला, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद मतलब तड़का लगाना ही छोड़ दिया है, जो आप राइस में एक्स्ट्रा डाल लीजिए बाद में आप उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये करीब मैंने ना 35 मिनट इसको कुक किया है लो फ्लेम पे और आप इसकी रंगत देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन हो गया है, काफ़ी बढ़िया हो गया है। तो इसको आप है ना अंदाजे से 35-40 मिनट के लिए पका लीजिए, फिर 10-15-20 मिनट आप दम पे रखिए। यहाँ पर मैंने लिया है बासमती का वो राइस जो मैंने लाती हूँ, और अगर आपको देखना है कि ये कौन सी राइस है क्या लेकर आती हूँ तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, यहाँ पर ग्रॉसरी वीडियो है उसमें आप देख सकते हो मैंने चावल के बारे में डिटेल बताया है। तो यहाँ पर देखिए चावल जो बॉईल करने का प्रोसेस है वो हर किसी को पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ बता दे रही हूँ कि है ना चावल में आप तेल डालिए, नींबू डालिए, इसके बाद आप उसमें
खड़े मसाले डालिए, जैसे कि इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा। फिर इसके बाद क्या करना है, जब आपकी राइस अच्छे से पक जाए, बॉईल हो जाए, तो हमको इसको निकाल के एक ऐसी खुली जगह में रखना है ताकि ये आपस में मतलब ठंडे हो जाएं और आपस में चिपके नहीं। और आप देख सकते हो एक एक दाना चावल का बिल्कुल अलग है। इसको कुक करने का प्रोसेस जो है वो 80% का होता है। चावल के एक दाने को हाथ में लीजिए और उसको तोड़कर देखिए, अगर वो दो टुकड़े हो जा रहे हैं यानी कि आपको बस उतना ही पकाना है। और इतना भी ज़्यादा मत कच्चा रख दीजिएगा कि खाने के टाइम आपको फील हो कि वो कच्चा है। तो बिल्कुल चावल का जो है वो ध्यान रखिएगा। दम पे हम इसको 10 मिनट पकाएंगे, तो सारी प्रोसेस जो है वो उसी तरीके से करनी है। तो यहाँ पर प्यारी सी स्माइल के साथ बिरयानी बना रही हूँ मैं। और वीडियो देखो, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, अब हम चलते हैं दम पर लगाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे देखिए आप, इसकी रंगत देखिए कितनी बढ़िया पक गई है। इसको मैंने रख दिया था, एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इसको मैंने साइड में कर दिया था। और अब हम एक बर्तन लेंगे, हम डालेंगे ये नीचे है ना, आपको जो मटन की ग्रेवी है वो डालिए, क्योंकि अगर आप पीसेस डाल दोगे ना तो चांसेस है कि नीचे वो जो तल्ला होता है नीचे का, तो इसको चिपकने के चांसेस वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको उससे बचाना है। जलना नहीं चाहिए हमारा बिरयानी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए, इस पर मैं क्या करती हूँ, मैं ना हमेशा थोड़ा सा नीचे राइस बिछा देती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा धनिया पुदीना, ताकि वो नीचे से भी अच्छा फ्लेवर जो है वो सारी चीज़ों में मिलता रहे। तो अब हम दम पे क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम एक मटन वाली लेयर लगाएंगे, जिससे कि पीसेस वगैरह है जो काफ़ी अच्छे तरीके से पक भी जाएगा, अगर थोड़ी मोड़ी कसर भी रह गई होगी तो। और जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, और आप लोगों को काफ़ी स्पाइसी वाली बिरयानी भी मिलेगी। किस तरीके से मैं लगाती हूँ पता है, नीचे ना मैं एक लेयर लगाती हूँ मटन के सिर्फ पीसेस की और थोड़े से ग्रेवी की। बाकी आप देख सकते हो कि दूसरे बर्तन में जो है कि ग्रेवी ज़्यादा है, उसमें पीसेस कम है, इसलिए क्योंकि छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं वो मैं सेकेंड लेयर में ऐड कर देती हूँ, और जो ग्रेवी की ज़्यादा क्वान्टिटी होती है वो मैं सेकेंड लेयर में ही ऐड करती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है और अच्छी काफ़ी खाने में भी लगेगी और काफ़ी खिली खिली भी बनती है। सारे चीज़ को मतलब मैनेज करके आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैं दूसरी लेयर भी इसी तरीके से सेम लगा दे रही हूँ। और अब हमें इसके ऊपर जो ऐड करना है वो है हमारा घी, जो कि घी बिरयानी में काफ़ी ढेर सारा डालिए। मैंने इसके पहले वाले लेयर में भी डाला था। फिर उसके बाद हम डालते हैं धनिया पुदीना, फ्राई किए हुए प्याज, उसके बाद हम ऐड करते हैं थोड़ा गरम मसाला यानी कि मटन मसाला। तो इस तरीके से जो लेयर होती है वो हमें बिछानी होती है, ताकि जो दम पे जब ये सारी चीज़ें पकती है तो आपस में ये सब कुछ मिल जाता है। और घी डालने का प्रोसेस तो वही, जो देखो बिरयानी जो है ना वो पूरी अच्छी घी में लगी हुई बिरयानी ही अच्छी लगती है। कि जब हम बिरयानी खाते हैं ना तो उसकी प्लेट से ही पता चल जाता है कि बिरयानी अच्छी बनी थी या नहीं, यानी कि जो चमक होती है ना वो प्लेट पे दिखाई देती है। तो इसीलिए घी थोड़ा बिना कंजूसी किए हुए डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐड कर दिया है सारी चीज़ें और मटन मसाला भी ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से इसको हम दम पे रखेंगे और इसके बाद हम 15 मिनट बाद, देखिए मैं 15 मिनट बाद ओपन कर रही हूँ, कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी इस समय घर में खुशबू भी आ रही थी। सारे राइस जो है वो दाना दाना अलग अलग है, काफ़ी खिले खिले हमारी बिरयानी बनी है और खाने में काफ़ी मज़ेदार है। तो आप इस रेसिपी को जल्दी से जाइए ट्राई करिए, बनाइए और मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, कहीं भी कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।